तो तुम आ ही गए। कंफ्यूज हो कि यहाँ कैसे आए? गाने की धुन नहीं सुनी? तुम्हारे लिए तो गा रही थी। ऐसे खींचे चले आए, सोच रहे हो कि तुम्हें ही क्यों बुलाया। वैसे इस पेड़ के नीचे से तो बहुत लोग आते जाते हैं, तुम भी उनमें से एक हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम मेरे फेवरेट हो, क्योंकि तुम दिल के बहुत साफ हो। बाकी भी बहुत लोग हैं, लेकिन सबके सब कमीने हैं, स्वार्थी हैं, जजमेंटल है। आई हेट देम। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो। और बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं, बहुत मिस कर रही थी। कहाँ गए थे? मुझे पता है तुम अभी कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हो, क्योंकि यही तो मेरी जादू है। तो मुझे वही पता लगाना है कि क्या हुआ है जो तुम अभी इस रास्ते से आते नहीं हो। और मुझे बहुत मिस करवाते हो, तो इसीलिए मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओके, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ, कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल। लेकिन डरो मत, बुरी नहीं हूँ, दिल की बहुत साफ हूँ और मेरे फेवरेट लोगों की बहुत मदद करती हूँ, और तुम उनमें से एक हो। एक्चुअली तुम ही एक हो मेरे फेवरेट, तो तुम्हें मैं मदद करूँगी ना। वैसे तो तुम सोच रहे होंगे कि तुम ही अकेले मेरे फेवरेट क्यों हो, और जैसे कि मैंने बताया, तुम दिल के बहुत साफ हो, इसलिए कि जितने भी लोग मैंने देखे, सबके सब कमीने हैं, सबके सब स्वार्थी हैं, दूसरों को जज करते हैं, दूसरों के दिल की सुनते नहीं हैं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जी करता है कि उन सबको पकड़ लूं और इसी पेड़ पे उल्टा लटका दूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, सिर्फ ख्याल है मेरे। मैं बहुत अच्छी हूं, तो मैं किसी को ऐसा तंग नहीं कर सकती। तो सिर्फ मैं मेरे फेवरेट लोगों की मदद कर सकती हूँ। तो तुम मेरे फेवरेट हो, और तुम बोल नहीं सकते कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं तुम्हारे मन की बात ढूंढ निकालने वाली हूँ। ओके, तो अगरबत्ती,
अगरबत्ती जला के उसके धुएं के अंदर मुझे तुम्हारी बात, तुम्हारे मन में जो चल रहा है प्रॉब्लम, वो दिख जाएगा। जादू है मेरा। वैसे तो मैं ये रोज अगरबत्ती जलाती हूँ, लेकिन अच्छे लोगों को मेरे पास खींचने के लिए। जो अब तक मेरे पास कोई नहीं आ पाया, क्योंकि अच्छे लोग कोई है ही नहीं। सिर्फ शांत शांत बैठना है। ये अगरबत्ती का धुआं दिख रहा है, ये मैं तुम्हारे सिर के ऊपर घुमाने वाली हूँ, और फिर उस धुएं में तुम्हारा प्रॉब्लम नजर आएगा, तुम्हारी जो समस्या है नजर आएगी। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ना, लेकिन इतनी भी सीरियस नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ठीक है, मैं दूर कर सकती हूँ। तुम्हें मैं हिप्नोटाइज कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि तुम हिप्नोटाइज हो जाओ, ताकि तुम्हारा मन भी हिप्नोटाइज हो जाए, तुम्हारे मन में और प्रॉब्लम्स नहीं आए। और उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को मैं बाहर निकाल दूं। ठीक है, ओके। तुम्हारा मन फ्रीज फ्रीज हो जाए, फ्रीज नीचे रख दिया है।
हिप्नोटाइज रहेगा, तुम हिप्नोटाइज रहोगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ख्याल तुम्हारे मन में नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे मन की सब दुख भरे ख्याल निकालने वाली हूँ। ओके, ठीक है, बस मुझे देखते रहो, चुड़ैल हो लेकिन खूबसूरत भी हूँ, ज़्यादा दुख तुम्हारे मन में भरा है, क्यों इतना सोचते हो, थोड़े बुरे इंसान बनो ताकि मेरे जैसे और कोई चुड़ैल तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए, है ना? लेकिन अगर बुरे इंसान बन गए तो मेरे फेवरेट नहीं रहोगे, सब नकारात्मक ऊर्जा निकलती जा रही है ना? मन और साफ साफ हो रहा है, और तुम्हारी प्रॉब्लम को तो मैं समझ गई, तुम्हें जैसे चाहिए वैसे लड़की मिलती नहीं है, है ना? लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी तुम्हें तुम्हारा साथी मिल जाएगा, ये एक
चुड़ैली तो हूँ, हर जगह घूमती रहती हूँ, जो अच्छा लगता है लेके आती हूँ। लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया, देखो कितना चमक रहा है, तुम्हारी किस्मत की तरह। तुम्हारी किस्मत भी ऐसे ही चमकेगी। पसंद है? ये तो मेरा सबसे पसंदीदा गाना है, सबसे फेवरेट। यही कई बाजू में एक पार्टी चल रही थी और मैं पेड़ के वो कोने में बैठ के गाने सुन रही थी, उसमें ये गाना सिखाने की वजह से तुम मेरे पास आए हो। और ये गाना तुम्हें भी पसंद है? मुझे पता नहीं मैं तुम्हें पसंद आऊंगी कि नहीं, पसंद आके भी कुछ फायदा नहीं होगा। तुम इंसान हो और मैं चुड़ैल, आगे कुछ नहीं हो सकता। तो बस तुम मेरे फेवरेट रहो, और अगर हो सके तो मैं तुम्हारी फेवरेट। अब तुम्हारा मन बहुत शांत हुआ है ना? क्या तुम्हें शांत लग रहा है? इसके बाद तुम घर चले जाना, ठीक है? किसी से मत कहना कि हम मिले थे, मुझे पता है तुम नहीं कहोगे। तुम्हें अच्छे से जानती हूँ मैं,
अब मेरा जादू पूरी तरह से चल गया है। कुछ ही दिनों में तुम्हें तुम्हारा साथ ही मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद मुझे भूलना मत, ठीक है? अब घर जाओ और मेरी याद निकालो, कभी ना कभी मुझे याद करो, ठीक है? मैं तो तुम्हें रोज देखूंगी यहाँ से, ओके? अपना ख्याल रखना।